फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय की बहुप्रतीक्षित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से दिशा निर्देश दिया है कि वह विवेक ओबराय अभिनीत फिल्म को देखने के बाद इस बात का निर्णय करे कि फिल्म को चुनाव के दौरान रिलीज किया जा सकता है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म पर किस प्रावधान में चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, कौन होगा फिल्म निर्माताओं के आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार, भीमसेना द्वारा दाखिल जनहित पर अधिवक्ता सुनील यादव ने की पहल, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म पर रोक की मांग, कहा लोकतंत्र जरूरी, किसी का व्यावसायिक लाभ हानि नहीं। हाथी पर जब पर्दा पड़ा था तब राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई में आज माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग से जानना चाहा है कि चुनाव आयोग ने किस प्रोविजन में फिल्म नरेंद्र मोदी पर रोक लगाई है और रोक लगाए जाने के फलस्वरूप जो फिल्म निर्माताओं को आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। इस पर पूरी गंभीरता से बहस सुनते हुए याची के अधिवक्ता के रूप में मैंने इस बात को रखा कि देश में लोकतंत्र जरूरी है, किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक लाभ या हानि नहीं। देश की आर्थिक लाभ और हानि की जहां बात आती है, रेवेन्यू की बात आती है, तो वहां पे स्टेट की रेवेन्यू महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति विशेष की रेवेन्यू नहीं। 2012 के चुनाव में मायावती जी की मूर्ति पर, हाथी की मूर्ति पर, सार्वजनिक स्थान पर पर्दा डाला गया था और वहां पर उससे जो आर्थिक रेवेन्यू नुकसान हुआ था स्टेट का, वो महत्वपूर्ण है। इस बात पर गंभीर होते हुए कोर्ट ने 26 अप्रैल की तारीख नियत करते हुए चुनाव आयोग से और राज्य सरकार से और भारत सरकार से ये जानकारी चाहिए कि इस पूरे मामले की पूरी गहन रिपोर्ट जो है पेश किया जाए और इस बात को बताते हुए कि इन सारे प्रकरण में जो इकोनॉमिकल लॉस होगा, जो डेमोक्रेसी का नुकसान होगा, वो सारे बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी उन्होंने मांगी। आज 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल केसरवानी।